जिंदगी झंड है फिर भी घमंड है, सबको सुना सुना लग रहा होगा ना बहुतों ने, क्योंकि ये डायलॉग बहुतों को चपकाया है, सबको सुनाता है सुनाया होगा सबने। तो असल में अब जब जिंदगी सही में झंड हुई है तब लोगों को इसका मतलब पता चल रहा कि जब जिंदगी झंड होती है तब कैसा लगता है। तो ऐसे में अब हम बात करते हैं, वैसे तो सभी की परिस्थितियाँ बहुत गंभीर हैं इस समय, सबको मतलब ऊब चुके हो जिंदगी से, घर से, परिवार से, पढ़ाई लिखाई, हर जगह से ऊब चुके हो गए, मैं पता है भाई, क्योंकि हम भी ऊब चुके हैं। तो ऐसे में हम कपल लोगों की बात करते हैं जो बाबू सोना होते हैं, कॉलेज में होते हैं, बाहर होते हैं, वहाँ उनके मतलब वो लोग बहुत बेचारे कष्ट में हैं, बहुत गंभीर परिस्थिति उन लोगों की, कुछ लोगों की है कुछ की नहीं है, लेकिन मेन बात ये कि सबको समय नहीं मिल रहा कि वो लोग अपने बाबू लोगों से बात कैसे करें। लड़कों का क्या, घर में साले बात करेंगे फ़ोन चलाएंगे तो उनके या तो बाप पेल देते हैं या तो मम्मी लोग पेल देती हैं, या तो उनको खूब गरियाया जाता है, यही हाल है, इसलिए बेचारे बहुत कम बात कर पाते हैं। और ऐसे में लड़कियों का भी यही है भाई कि लड़कियां बेचारी सारा दिन काम करती हैं, मम्मी लोग की हेल्प करती हैं, तो जब कभी थोड़ा बहुत टाइम मिला तो चैट्स में अपना बातें बातें कर ली, कॉल पे थोड़ी बहुत देर बात हुई लेकिन थोड़ा ही बात कर पाती है, ज़्यादा नहीं। तो ये बहुत ही गंभीर परिस्थितियाँ हैं। और सिंगल लौंडों का क्या है, वो मतलब इस समय उनको फॉर्मूला सा मिल गया कि लॉकडाउन में लड़की कैसे पटाएं। वो लोग क्या करते हैं कि इंस्टाग्राम खोला या फेसबुक खोला, सबको रिक्वेस्टें सेंड कर दी, सबको मैसेजेस सेंड कर दिए कि साला अगर 10 को मैसेज करेंगे तो एक तो रिप्लाई करेगी, दो तो रिप्लाई करेगी, किसी न किसी तो बात आगे बढ़ेगी। बेचारों को उम्मीद सी मिल गई, जो बहुत सिंगल थे उनमें से एक हम भी हैं, तो बहुत ही दुख की बात है ये। बहुतों लौंडों ने लड़कियां पटा भी ली हैं लॉकडाउन में, बहुतों ने पटा ली हैं, बाकी देखो क्या होता है। लेकिन एक बात बता रहे हैं, वो थोड़ा दिमाग से लेना लौंडों, क्योंकि रक्षाबंधन आ रहा है तो लड़कियों से थोड़ा बात सोच समझ के करना, पता चले तुमको भाई आई बोल दिया तो फिर पूरा वहीं मैटर ख़त्म हो जाएगा, रक्षाबंधन वाले दिन फिर चले जाना, बंधवा जाना राखी आखी है।